मन को वश कैसे करना, गीता सिखाती है कैसे वश करना, अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास से मन और इंद्रियां वश होती। अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे पंख है जिससे मन को बार 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 वश करना चाहिए। ध्यान कैसे करना, तो भ्रूमध्य के निकट, भ्रूमध्य के बीच में ओमकार को देखते हुए श्वासोश्वास की गति को, प्राण और अपान की गति को सम करते हुए, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को परमात्मा में लीन करते हुए ध्यान। ध्यान कैसे करना ये भी गीता सिखाती। और तो क्या, खाना कैसे, सोना कैसे, पीना कैसे, मरना कैसे, जीना कैसे, आपको व्यवहार कैसे करना, तो व्यवहार कैसे करना गीता बताती है कि अपने से श्रेष्ठ पुरुषों पुरुषों से मैत्री कर लो, जो आपसे पद में श्रेष्ठ हो, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, उससे मैत्री कर लो, मित्रता कर लो, बराबरी वाले और आगे बढ़ रहे हैं तो प्रसन्न हो जाओ और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, छोटे हैं तो करुणा कर लो, कोई बढ़ रहा है कोशिश कर रहा है मदद कर लो। तो मैत्री हो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के साथ, प्रसन्नता हो अपने बराबरी वालों के साथ। आप जब एक एक लेवल के लोग बैठते हो, एक जाति के या एक धर्म के या एक पंथ के या एक परिवार के, तो आप हंस हंस के बातें करते हो ना, प्रसन्न होते हो ना, तो बराबरी वालों से प्रसन्न रहो। कुछ मन मुटाव हो जाए फिर भी भूल कर प्रसन्न रहो, ये जीवन जीने का तरीका है। जो आपके बराबरी से है, जो आपकी मित्रता में है, वो नाराज हो भी जाते हैं तभी भी उन्हें नाराज ज्यादा देर मत रखो, प्रसन्न हो जाओ। अपने से छोटे हैं तो करुणा कर लो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और चौथे नंबर पे आता है कि जो आपकी टांगा खींची करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं, सामने अच्छा और पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, उनकी उपेक्षा करो, इग्नोरेंस मारो, इग्नोर करो उनको, जाने देना, उसकी बात ही नहीं छेड़नी हमको। उस लिस्ट को भी बताया है ना कृष्ण ने, ये नहीं कहा कि सबको भगवान समझ के गले लगाओ, नहीं, इग्नोर करने का कहा है। कैसे लोगों को, जो कि आपकी उन्नति नहीं चाहते हैं, जो आपके आपको देखकर ईर्ष्या करते हैं, जो जलस करते हैं, उनको इग्नोर करने की लिस्ट में डाल दो, जैसे हमने भी बहुतों को डाल दिया है, इग्नोर करो, ये गीता कहती है। तभी आप सुखी हो सकते हो और तभी आप उन्नति को प्राप्त हो सकते हो, तभी आप जीवन को अच्छे से जी सकते हो, तभी आप खुश रह सकते हो। कौन सी चीज है जो गीता नहीं सिखाती, व्यवहार कैसे करना ये गीता कहती है ना, कैसे लोगों के साथ मित्रता होनी चाहिए, तो अपने से श्रेष्ठ, जैसे आप कोई पैसे वाला आदमी और पैसे कम में हो, आप सोचोगे ना मित्रता कर ले, गाड़ी काम आ जाएगी, यहां से वहां ले जाएगा, क्यों मित्रता करते हो, कोई ना कोई वजह है मित्रता करने की, है ना। आप कम है और किसी कोई उससे ज्यादा में है तो आप मित्रता करोगे, स्वाभाविक है ना, ये नेचुरल है। आपको लगता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, इसके पास है तो चलना थोड़ा हाय वाय कर लेते हैं, हाँ करते हो ना आप लोग ऐसा। तो किसी भी चीज में कोई व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है, तो ज्ञान में है कोई श्रेष्ठ, वो हर पल आपको ज्ञान में आगे बढ़ाएगा, भक्ति में आगे बढ़ाएगा, और कहीं आप अटके तो मार्गदर्शन देगा, ऐसे लोगों से मित्रता करो। आपकी हमसे मित्रता है क्यों, क्योंकि आप हमसे, आपको वो हर चीज प्राप्त है ना। शादी नहीं हुई तो फोटो दिखाते हो, शादी होगी नहीं होगी, केस में फंस गए तो फोटो दिखाते हो, मुझे छोड़ नहीं सकते ना आप, इसलिए करोगे मित्रता। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परतर्ष। बहुत स्पष्ट है, स्पष्ट है। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों से हमेशा मित्रता की आशा रखनी चाहिए, मित्रता करनी ही चाहिए, न जाने हम कहीं अटक जाएं और वो हमें काम लग जाए, इसलिए मित्रता करनी चाहिए। व्यवहार की बात है, परमार्थ की बात है, अपने से ज्ञानी जनों से शरण ग्रहण करनी चाहिए, वहां मित्रता की बात नहीं है, वहां शरण ग्रहण करने की बात है। जब आप शरण ग्रहण करते हो तो वो सारा बोझा और सारी जिम्मेदारी वो उठाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो भी एक प्रकार की मित्रता है, पर उस मित्रता में सम्मान है,
उस मित्रता में भगवत्ता है, उस मित्रता में दिव्यता है। तो व्यवहार कैसे हो ये भी गीता सिखाती है, परमार्थ कैसे करना वो भी गीता सिखाती है। इसीलिए गीता का पाठ करना ही आवश्यक नहीं है, पर गीता को समझना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति के जीवन में गीता है वो व्यक्ति दुखी कम से कम होता होगा, सकारात्मक ज्यादा से ज्यादा होता होगा। उसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। खत्म हो गई, उसका माइंड बहुत क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो उसको दुखी नहीं है। जिसका हम दुखी क्यों होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे जीवन के क्लियर ही नहीं होते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। दुखी कौन करता है? कोई और नहीं करता, हमारे कंफ्यूजन से हमको दुखी करते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, माइंड क्लियर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है हमारे। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग केवल श्रवण करने की चीज नहीं होती है, सत्संग को उतारने की चीज होती है। सत्संग कह दो, भगवत गीता कह दो, गीता तो भरपूर, सत्संग से हर चीज गीता में मिल जाती है, हर समस्या का समाधान गीता से हो ही जाता है। केवल है कि वो अप्लाई कब करना और कैसे करना ये समझ में आ जाए। एप्लीकेबल है वो, हर मोड पे एप्लीकेबल है।